तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो पावर बटन दबाना है, और ये पावर बटन और ये होम बटन, ये वॉल्यूम बटन ऊपर वाला। तो चलो इसको तीनों को साथ में ही दबाना पड़ता है, तीनों को साथ में दबाते हैं। तो चलो दबा लेते हैं इसको। दोस्तों इस टाइप का ऑप्शन आते ही पावर बटन छोड़ देना है, उसके बाद थोड़ा सा वेटिंग लेना है। कुछ इस तरह से स्टार्टिंग होंगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का आ जाएंगे, वेटिंग कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आ गए दोस्तों। उसके बाद जो वॉल्यूम नीचे का बटन रहता है वो दबाना है आपको। उसके बाद डाटा फैक्ट्री रिसेट में जाना है। इसमें जाने के बाद पावर बटन दाबना होता है दोस्तों। पावर बटन, सिंपली पावर बटन दाब देना है। जैसे ही पावर बटन दाबोगे कुछ इस टाइप का आ जाएगा। उसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस डाटा, ऑल डाटा, रिकवर डाटा में। तो सिंपल यहाँ ला के फिर से पावर बटन दाब देना है आपको। तो सिंपल पावर बटन दाब देते, देख सकते हो फैक्ट्री पूरा रिसेट होना स्टार्ट हो गया, पूरा फॉर्मेटिंग हो गया। फिर से पावर बटन दाब देना है। पावर बटन जैसे ही दाबेंगे दोस्तों यहाँ हमारा फोन स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होके ऑन हो जाएगा। देख सकते हो ऑन हो चुका है। तो कुछ समय तक वेटिंग लेना दोस्तों, जब तक ये चालू हो जाए। थोड़ा लेट लेता है चालू होने में। तो चालू होने के बाद इसमें एप्लीकेशन का अपडेटिंग का ऑप्शन आता है। एप्लीकेशन अपडेट होने लगा, देख सकते हो स्टार्टिंग। तो यहाँ पे कुछ सिंपल इस तरह से वेटिंग कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आ गए, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पूरा नेक्स्ट करते जाना है आपका।